में हमारे बलिया के मिश्रा जी, पारस मिश्रा जी हैं, सैकड़ों लोग हैं यहीं पर। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, लखनऊ के आप मेयर भी घोषित कर दिए, मेयर भी हैं चुनाव मैदान में। तो ऐसा नहीं, देखिए हमारा जो मकसद है, जो शोषित वंचित लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर ताकतवर हो गए तो सब पूरा समाज ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं है। हर समाज में गरीब लोग हैं, हर समाज में शिक्षा सबको एक समान नहीं मिल पा रही है, तो सबकी समस्या है, तो सभी को साथ लेकर के ही हम चलते हैं। आपने नाम दिया है, उसका क्या जाति समीकरण क्या है? बहुत बढ़िया है, हर जातियों को हमने, अब अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो कोई जाति नहीं छूटी है जो इसमें ना हो। अच्छा। हर जगह कटिया फंसा नहीं हम फंसा जी। अब देखिए पांडे जी, अभी देखिए हमारे अरविंद सिंह जी है बगल में हैं, विधायक जी को देख ही रहे हैं विधि राम जी को उखाड़ दिए। अरे पूरा सड़क ये नहीं उखाड़ दिए, ऐसी सड़क बन गई कि जूता से मार दीजिए तो फैल जा रहा है सड़क से। देखा भी आप लोग, दिखाए भी, इंडियन फिल्म में जिस तरीके से हीरो मारता वैसे कर दिया भाई। अगर क्षेत्र में विकास की बात, सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो, ठेकेदार काम करेगा तो हमारी भी ड्यूटी है कि जरा हम भी जांच लें उसको। तो ये सब चीज़ बताइए कि ये जो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे नैया पार होगी, आप छड़ी कैसे पार होगी? महाराज हम 7 नगर पंचायत पिछली बार सरकार में रह के अकेले जीते थे, सरकार में रह करके, सरकार में नहीं, सरकार से लड़के जीते थे। इस बार तो हम अकेले खुद मजबूत हैं। लखनऊ का मेयर कौन होगा? देखिए जनता मालिक है, भाजपा जीतेगी, हम लड़ रहे हैं, हारने के लिए थोड़ी लड़ता कोई, वही हमारा प्रत्याशी हारने के लिए नहीं लड़ता है। लड़ाई के मैदान में जनता मालिक है, जनता जिसको पसंद करेगी वोट देगी उसको चुनाई। तुम जीत, गठबंधन करना चाहिए था, हर बार गठबंधन करते नहीं, हम नहीं करते पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में, हम गठबंधन नहीं करते पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं करते। अच्छा ये बताइए, साफ साफ बहुत आप साफ स्पष्ट बोलते हैं, ये बताइए कि जो निकाय चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य 700 रखा है, लक्ष्य 700, और उसने तय कर रखा है कि हम जीत लेंगे 17 के 17 पूरा नगर निगम, आपको लगता है कि हकीकत है? देखिए नगर निगम में हमने देखा कि पिछली बार सत्ता से जब बाहर बीजेपी थी तब भी नगर निगम जीत लिया था, आज सत्ता में है और नगरों की लड़ाई में थोड़ा टफ हो जाता है नगर निगम में, तो अब वो अपनी मंशा लेके कूद रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस अपनी मंशा लेके कूद रहे हैं, हम भी अपनी मंशा लेके मिला के। आपने ये बता दिया कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, तो उसके मुकाबले सपा है कि बसपा है कि सुभाषपा है? देखिए जनता में सुभाषपा है, आप लोगों के चैनल पे टीवी पर सपा और बसपा दिखती है, जनता के बीच में सच्चाई है कि बीच लड़ पाएंगे कि नहीं हमको नहीं लगता। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करने लगे हैं, नफरत अगर समाजवादी पार्टी से लोग नाराज होते तब तो मना सकते थे, लेकिन लोग नफरत कर रहे हैं इस नाते कि 4 बार की सरकार में उन्होंने एक जाति को बढ़ावा दिया, जो जाति उनके साथ थी भी उसको भी उन्होंने गर्त में डाल दिया, जैसे मुसलमान जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान उनको गर्त में डाल दिया। ये बताइए उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम पिछड़े नेता अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कांसीराम की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि केवल एक जाति। कांसीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, ये जब चुनाव आता है तो ये गले में माला और विचारों पे ताला लगाते हैं, सरकार बन जाती है जब इनकी, तब जनेश्वर मिश्रा जी और राम मनोहर लोहिया जी याद आते हैं। मिश्रा जी याद आ गए तो कौन सा बुरा, इतना बड़ा पार्क। हम ही नहीं कह रहे, तब फिर बाबा साहब को नहीं याद आते, तब आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म क्यों किया, आपने कासगंज का जिला, जब मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कासगंज का नाम कांसीराम जिला रखा था तो आपने क्यों बदला? अच्छा ये बताइए, अचानक ये कांसीराम जी जिनके साथ आपने भी काम किया है, आप तो उनके साथ काम किए हैं कांसीराम जी के, आपके गुरु रहे हैं कांसीराम, तो वो उस कांसीराम का नाम ये सब इतना ज्यादा क्यों ले लेंगे? देखिए मरने के बाद एक भूत भूत सुनते हैं हम कि भूत बन जाते हैं लोग, तो कांसीराम जी की विचारधारा भूत बन गई है, भूत बन गई है, अब वो भूत सबको सता रहा है, चाहे वो सपा हो कांग्रेस हो भाजपा हो सबको। मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह जी ने, उसी दिन कह दिया कि ये भूत जो कांसीराम जी ने दबाव बनाया मंडल कमीशन लागू करने के लिए
तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, हमारे मरने के बाद भी ये भूत जिंदा रहेगा। तो वो भूत सता रहा है, भूत पकड़ लिया है क्या? अति पिछड़े या दलित के हिस्सेदारी वाला भूत अब समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया है। कांशीराम जी के विचार को, उनकी सोच को अगर हम लोग, कांशीराम जी का नाम इतना तो ले रहे हैं अखिलेश, कितना लगता है साथ में सरकार भी चलाएगा। अगर कांशीराम जी का नाम लेते, उनके विचारों को मानते, तो कांशीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, कांशीराम जी ने कहा था। आज दलित प्रधानमंत्री बनाने से भाग क्यों रहे हैं अखिलेश जी? अगर कांशीराम जी की मूर्ति आप लगा रहे हो स्वागत है, लेकिन आप उनके विचार, उनकी सोच थी कि दलित प्रधानमंत्री बने, तो आप मायावती जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित हैं, उनको क्यों नहीं बनाते? आप इस बात से क्यों भाग रहे हो? अगर कांशीराम जी की अगर मूर्ति लगा रहे हो तो भाग क्यों रहे हो भैया? उनके विचार पे आओ। अच्छा ओम प्रकाश राजभर, मायावती जी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी? देखिए, अब सवाल आपका जहाँ तक आया वो भारतीय जनता पार्टी का विषय, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय जो अभी फिलहाल है, आपने सवाल किया कांशीराम जी पर, तो कांशीराम जी के सवाल पे ये विचार। आप दलित की बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, खड़गे को देखना चाहते हैं कि मोदी जी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामान्य वर्ग बन गया प्रधानमंत्री, पिछड़ा भी बन गया, अब तो नंबर आ गया दलित का, तो दलित क्यों ना बने, दलित को भी बनना चाहिए। क्या मायावती जी के पक्ष में? हम मायावती जी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी पक्ष में हैं। माने आप ये गठबंधन में जा रहे हैं? मैं गठबंधन में नहीं जा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि जब कांशीराम जी का नाम आता है तो फिर उनके विचार याद आ जाते हैं ना। फिर दलित की बात, दलित को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत अखिलेश जी क्यों नहीं करते? क्यों धोखा दे रहे हैं? किस मुँह से जाएंगे? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश जी ने खत्म किया, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने खत्म किया। क्यों खत्म किया? लाखों लोग नौकरी छोड़ के भाग गए, किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? नगर निगम में सपा कितनी पाए? अब समझ में आ जाएगा, वो कहें कि तुरे कपार में कितना बार ना उगा गिर छीले छिले नीचुना वो तो गिन भी माने। अब हम इतना ज्योतिष सही नहीं कि हम गिनती बता दें, 10 की 0। अब जनता को वोट देना है, अब जनता का मिजाज क्या है? बसपा लड़ाई में, बसपा और राष्ट्रीय पार्टी है, सपा राजी दल है, अभी तो हम अनरिकग्नाइज हैं, तो लड़ाई अब हो रही, जनता जिसको पसंद करेगी उसको देगी। क्या आप इतना गुणगान कर रहे हैं, एक दिन भी मिलने के लिए बुलाएं? बात होती है, बात हो जाती है इधर उधर, शादी में तो बुलाई भी नहीं किया। नहीं, हम गए ही नहीं, हम नहीं गए जानबूझ के। आप लोग उसको हाँ तिल का ताल बना देते ना। कुल मिला के क्या माना जाए, एक आखिरी सवाल? नहीं देखिए, हम चुनाव मैदान में अपने स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी मजबूती से लड़ने जा रही है। चुनाव के बाद फिर देखिए, गठबंधन 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले होते हैं, फिर वो टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। आपका झुकाव किधर है सच बताइए? अभी तो झुकाव आप लोगों की तरफ है। आप पाठक जी के यहाँ, दयाशंकर जी के यहाँ, सब मित्रवे बन गए हैं आपके, भाजपा वाले अमित शाह जी के यहाँ भी जाते हैं, नीतीश जी के यहाँ भी जाते हैं, तेजस्वी से भी बात करते हैं, ममता जी से भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम किस दल ही हैं। नहीं, नेता तो नेता से मिलना चाहिए। अपने तरफ पूरब के हैं ना आप, आ जाता है कि परता पार्टी या परता पार्टी। नहीं नहीं, ये तो आप कह सकते हैं, राजभर जहाँ रहता है तहाँ सीना ठोक के रहता है, नहीं रहता तो नहीं रहता है। नहीं रहता तो बोलता है। आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दूसरे नंबर पर दिया तो राजभर ने दिया है ना? कोई दोहरा है जो जिन मुद्दों को लेके हम गए, हमारी बात नहीं बनी छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी में गए तो हाथी के 2 दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो बाहर तो कुछ है, जैसे कांशीराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, लेकिन कांशीराम जी के विचार को नहीं मानेंगे। अखिलेश जी आपको बहुत मिस कर। नहीं, हमको मिस नहीं किया, हमको धोखा दे दिए। जी 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 वीरेश, उन्होंने आन मौके पर हमको धोखा दिया, अपनी पार्टी से 12 उम्मीदवार दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी का। वीरेश, आपने लगभग सारे सवाल किए ओम प्रकाश राजभर से, हमारे दर्शकों के मन में जितने सवाल हो सकते थे वो सब वीरेश पांडे ने अभी ओम प्रकाश राजभर से पूछ लिया और उत्तर भी आपने देखे ही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फॉर नाउ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल।